सोलर क्या है, रात को बिजली नहीं देता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय विंड कवर कर लेता है। वो तो पूरे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनका सलूशन निकाला है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नोडल एजेंसी बना दिया है। ग्रेट, इसके कारण वो जो प्रॉब्लम। नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं दिल्ली से चल के हैदराबाद आया हूँ, और स्पेशली जो हमारे फ्रेम में अभी नज़र आ रहे हैं, ये डिफेंस में इन्होंने काफ़ी सर्व किया है देश को। और अभी रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में बात करें तो सोलर हो गया, विंड हो गया, और इसके अलावा सोलर में जो क्लीनिंग पूरा सिस्टम है, पूरे तरीके से ये काम करते हैं। अशोक कुमार सोनी जी हैं जी, स्वागत है सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा तो बताएंगे थोड़े से अपने कंपनी के बारे में। मैं इसके पहले डिफेंस में था, आर्मी इंजीनियर्स में था। आई वॉज ए कर्नल एंड आई टुक प्री मेच्योर रिटायरमेंट टू डू एन MBA एट IIM बैंगलोर, एंड आफ्टर दैट आई वर्क फॉर अ शॉर्ट वाइल 2 years एंड देन स्टार्टेड इन द सोलर फील्ड। वी आर ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड एंड इनिशियली वी हैव डन इंस्टॉलेशन कमीशनिंग हमने करी थी बड़ी बड़ी कंपनियों की। L&T है, बी इलेक्ट्रिक है, एक्मे है, हमने करीब 150-200 मेगावाट के AC के DC के पाइलिंग के काम किए थे। पर थोड़ा सा पेमेंट का इशू होने के कारण हमने कोविड के दौरान ये निश्चय लिया कि हम INC नहीं करेंगे, और हम लोगों ने छोटे छोटे EPC सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्पेशली डिफेंस के बॉर्डर एरियाज में हम कर रहे हैं, और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली, काफ़ी हमारी डिमांड है, कई बार रिपीट हमें ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ वी हैव अराउंड 20 crore ऑर्डर्स अलॉन्ग J&K बॉर्डर, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। इसमें हम लोग ऑफ ग्रिड भी कर रहे हैं, ऑन ग्रिड भी कर रहे हैं, और विंड के साथ हाइब्रिड भी कर रहे हैं। हमने विंड हाइब्रिड अभी राजस्थान बॉर्डर में आर्मी के लिए लोंगेवाला, तनोत और बाड़मेर में किया है। ग्रेट ग्रेट, यही मुझे जानना था कि जैसे सोलर तो हर कोई कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप एक ऐसा कंप्लीट सोर्स दे रहे हैं रिन्यूएबल का, जिसमें कि विंड भी आ रहा है। तो विंड बहुत सारे लोग जो कोस्टल एरिया से रिलेटेड है वो लगाना भी चाहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि सोलर के साथ विंड जाना चाहिए या विंड भी लगा लेने? विंड का सर जो कोस्टल एरियाज में है, हवा इतनी अच्छी है, हमने लाइट हाउस में हमने काफ़ी काम किया है, कापू में काम किया है, देवगढ़ में काम किया है, हमारे पास सोलर प्रोजेक्ट भी हमने लाइट हाउस के लिए जो बिल्कुल कोस्टल एरिया में लगते लग रहे हैं, जिसमें हमें अभी करना भी है काम, देवगढ़ में और बैतूल में, गोवा के पास। तो वहाँ पे हवा बहुत अच्छी रहती है, 8-10 km/s रहती से 10 मीटर। तो उस पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, नॉर्मली दैट्स एन आइडियल फॉर ऑल द विंड टर्बाइंस। ओके, तो इसमें प्रोडक्शन हो सकता है, इसमें भी अपन नेट मीटरिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज अ बिग स्कोप। इनफैक्ट BSF से मेरी बातें चल रही थी, वो पूरी गुजरात बॉर्डर में विंड लगाना चाहते हैं, सोलर के साथ कंबाइन भी करना चाहते हैं, क्योंकि सोलर क्या है, रात को बिजली नहीं देता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस समय विंड कवर कर लेता है। ओके, तो आपका जो नेट मीटरिंग का रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत कम हो जाता है। अच्छा अच्छा। सिमिलरली जो हाई अल्टीट्यूड में है, गालवान है या लेह लद्दाख में है या बांदीपुरा जैसे कश्मीर में है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पर पूरे ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, जहाँ पे बिजली है ही नहीं। ओके, तो वहाँ पे रात को जो है ये विंड पूरा कवर अप कर लेती है। ओके, तो वहाँ पे कॉस्ट सेविंग नहीं, वहाँ पे तो एक ज़रूरत है जो ट्रुप्स की है, उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए, उनके जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट रहते हैं, उनका पानी गर्म करने के लिए, उनके हवा रूम की हवा हीटिंग करने के लिए विंड बहुत यूज़फुल हो रहा है। ओके, और दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है, जो बैटरी का बैकअप रहते हैं रात की बैकअप के लिए, वो ठंडी पड़ जाती है, उनको अच्छा। रात में हीट अप करने के लिए, जिससे कि वार्म रहे और सुबह फिर से वो सप्लाई दे सके, विंड काफ़ी काम आती है, क्योंकि विंड इन जगहों पे हाइट पे रहती है, वहाँ पे विंड रहती है 4 तो से जैसे लोकेशन वाइज भी बात करें, जैसे आपने बताया कि बॉर्डर एरिया ऑलमोस्ट वहाँ पे विंड का फ्लो बहुत अच्छा होता है, तो इसी में जैसे राजस्थान हो गया और आपके साउथ वाला जो पार्ट है, जो कोस्टल एरिया है, वो सब जगह क्या विंड के लिए आइडियल है?
जो मेरा आइडिया है विंड के बारे में, तमिलनाडु में बहुत अच्छी विंड है, ओके, इनफैक्ट आंध्रा के भी कुछ एरिया में, कोस्टल एरिया में बहुत बढ़िया विंड है, उडुपी एरिया बहुत ही अच्छा है, ओके, महाराष्ट्र में भी कई एरियों में विंड का इस्तेमाल हो रहा है, गुजरात तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा, गुजरात के लिए तो BSF वगैरह सब 16 की जगह विंड पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, और आजकल तो इतना अच्छा हो गया कि कोलैप्सिबल यूनिट आ रही है, अंदर बैटरी बैकअप है, कंटेनर के ऊपर विंड खड़ा हो जाता है, इमीडिएटली यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट इन 1 or 2 days ऑल्सो, ओके ग्रेट, ये एरिया अच्छा है। और जो अपने बॉर्डर में मोस्टली पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे विंड काफ़ी स्ट्रांग रहती है, और स्पेशली जो बारिश के टाइम पे बर्फ के दौरान जब सूरज नहीं रहता है, सोलर नहीं काम करते, उस समय विंड इज ए बिग बूस्टर, 20-30% जो बिजली का प्रपोर्शन है वो लोग विंड पे डालना चाहते हैं। तो देखिए इस वीडियो के थ्रू ना अबेकस में काफ़ी कॉल भी आने वाले हैं आपको कि मेरे यहाँ पे विंड टरबाइन लगा दो, तो उसके लिए क्या करना, क्योंकि आप तो डिफेंस में करते हैं, क्या उनको सर्विस आप देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जो विंड की बात कर रहा हूँ, हम लोग छोटी विंड टरबाइन, माइक्रो विंड टरबाइन जो बोलना चाहिए, हाँ हाँ, जैसे 1 kW, 3 kW, 6 kW, 10 kW, हाँ, इस रेंज पे है, ओके, और हम लोग कोशिश करते हैं ये सोलर के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाए, जिससे अपने को ग्रिड में जाने की जरूरत ना पड़े, ओके, पूरा अपना बैटरी चार्जिंग डायरेक्टली जब रात को नहीं हो पा रही सोलर से तो विंड से हो जाए। ये बहुत ही बढ़िया है, इनकी कीमत भी सोलर के आसपास ही है, करीब समझ लीजिए 25-30% ज़्यादा है सोलर से, ओके, पर यदि आपकी विंड अच्छी है, जैसे आप बता रहे हैं कोस्टल एरिया में 8-10 meters per second की स्पीड रहती है, जो कि विंड के लिए आइडियल है, उसमें प्रोडक्शन इसका सोलर से भी ज़्यादा हो रहा है, ओके, तो विंड का इस समय जो माइक्रो विंड है इनको हम 12-18 meters की हाइट पर लगा देते हैं, एक कार्बन फाइबर की ब्लेड्स होती हैं, 3 ब्लेड होती हैं, जहाँ कम स्पीड है वहाँ पे हम 6 ब्लेड भी लगाते हैं, ओके, करीब करीब इनका 5-6 meters का डायमीटर होता है, तो ये हमारी 3 kW से लेके 6 kW तक काफ़ी पॉपुलर है, और आर्मी और डिफेंस एरियाज में, रिमोट एरियाज में दीज आर ए बिग बूस्टर। तो अब एक सवाल आता है कि जैसे कि हम के सोलर में 25-30 years की वारंटी मिल जाती है, तो क्या हम जैसे विंड टरबाइन लगा रहे हैं तो उसमें क्या वारंटी देती है कंपनी? विंड में कंपनी वारंटी तो 5 years की देती है, ओके, पर इसमें चूंकि मूविंग पार्ट है, अनलाइक सोलर, ओके, सोलर में तो चूंकि सब फिक्स रहता है, कुछ डैमेज का चांस नहीं है, बिल्कुल, विंड में उसका जो मेंटेनेंस है थोड़ा एक इम्पोर्टेंट होता है, उसका ऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, कभी तूफान आता है तो उसके बंद करने का प्रोसेस रहता है, और वो नॉर्मली हम लोग 12-18 meters के हाइट पर लगाते हैं, तो जो हम लोग लेटेस्ट टावर लगाते हैं उसमें रस्सियां होती है, उसको टाइट करते रहना हर महीने जाके, अच्छा, इससे कि ज़्यादा स्विंग ना करे, स्विंग करने से एक दो जगह हमारे पास भी ऐसा हुआ कि टरबाइन नीचे गिर जाती है जब बहुत ज़्यादा स्विंग हो जाता है तूफान में, तो उनको रेगुलरली ये जो मेंटेनेंस 3-4 हिदायतें हैं इनका प्रॉपर पालन करना चाहिए। सोलर में तो निल मेंटेनेंस है, इसमें थोड़ा सा समझदारी से, और आपको या तो AMC देनी चाहिए या कोई समझदार आपके पास इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, ग्रेट, क्योंकि ये मूविंग पार्ट्स हैं, इनको चेक करना पड़ता है, साल में एक बार इंस्पेक्शन होना चाहिए फाइबर का, उनकी बैलेंसिंग सही है कि नहीं है, टावर की टाइटनिंग महीना होना चाहिए, ये सब मोटे मोटे इसके मेंटेनेंस पॉइंट हैं। और इसमें बैटरी बैकअप जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो बैटरी में क्या होता है कई बार कोई जाने अनजाने में वेंट प्लग खोल देता है तो बैटरी खराब हो जाती है, तो थोड़ा सा जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको ज़्यादा अच्छा होगा कि एक अपन AMC दे दें, सोलर में ना भी दें तो चल जाता है कई बार, अच्छा, आप खुद मेंटेनेंस कर लेते हैं, पर हाइब्रिड में जरूर थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। और यहाँ हाइब्रिड का मतलब है कि सोलर के साथ विंड टरबाइन, जी यस सर, मैं गलत हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, हम लोग सोलर विंड को हाइब्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, तो अभी एक तो हो गया कि वारंटी से रिलेटेड, इवन कि अभी बहुत सारे लोग हैं, क्या ये जो विंड टरबाइन अभी आ रहा है भारत में वो क्या मेक इन भारत प्रोडक्ट है या बाहर से ही हम ले रहे हैं? जी, जो ये विंड टरबाइन है, जो हम माइक्रो विंड टरबाइन की बात कर रहे हैं, पुणे और चेन्नई में कई बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, हम लोग नॉर्मली यूनिट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, ओके, एक पुणे की बहुत अच्छी फर्म है, दे आर रजिस्टर्ड विद NIEEE, विदेशों में भी, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी काफ़ी सप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, इंडिया की टरबाइन जाके लग रही हैं, दे आर प्रूविंग टू बी गुड, तो हम ऐसा ही टेस्टेड मेथड, टेस्टेड जो प्रोडक्ट है वही इस्तेमाल करते हैं। बीच में कई प्रोडक्ट ऐसे आए हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, एल्यूमिनियम का फ्लावर टाइप का आता है, जी हाँ, वो सब हमारा विश्वास नहीं है, उनका जो आउटपुट है बहुत ही कम रहता है, वो पैरापेट वॉल लगा रहे हैं, एटलीस्ट आई एम नॉट श्योर ऑफ देयर
कैपेबिलिटी। ओके, हम लोग जनरली 1 to 6 किलोवाट के बीच में ध्यान देते हैं, जो थोड़ा इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं या बड़े रेजिडेंशियल यूजर्स हैं, जहाँ पे हवा अच्छी है। विंड में एक बात देखने वाली है कि जो इंडिया का विंड मैप है, विंड मैप में मार्क्ड होता है कहाँ पे विंड इस्तेमाल हो सकती है, कम से कम नेशनल विंड एनर्जी पे जी उनके मैप हैं, कम से कम 4 मीटर पर सेकंड तो स्पीड होना चाहिए यदि आप उसको सक्सेस चाहते हैं। ओके जी। और बारिश के टाइम में, जो बारिश के महीनों में विंड का प्रोडक्शन तो बहुत ही अच्छा होता है, बेटर देन सोलर। ओके, आने वाले समय में जैसे कि आप सोलर भी कर रहे हैं, विंड भी कर रहे हैं, एक हाइब्रिड पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आने वाले समय में एविकस इंफ्रा का क्या प्लान है? ऐसा सर, आई हैव ए बैकग्राउंड ऑफ डिफेंस। ओके, तो मैं चूंकि इन बॉर्डर एरियाज में रहा हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ पे नॉन कन्वेंशनल, इसीलिए आपकी रीच बहुत ज्यादा है जी। यदि बॉर्डर्स को कवर करें ना तो ऑल ओवर इंडिया को कवर हो जाता है। और सर बॉर्डर एरियाज में क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल का एक्चुअल यूसेज है। yes, जो अपन सिटी में यूज कर रहे हैं, ये तो आप पैसा बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज यू आर डूइंग नेट मीटरिंग एंड यू आर सेविंग मनी। वहाँ पे तो कोई साधन ही नहीं है, जैसे मैं डावर और बांदीपुर कश्मीर में काम कर रहा हूँ, पूरे एरिया में बिजली ही नहीं है। ओके, मतलब सब जनरेटर पे काम चल रहा है, गांव वाले सरकार ने जनरेटर दिया, अभी तक वहाँ सोलर का इस्तेमाल ही नहीं है। ओके, तो उन एरिया में डिफेंस को भी हम प्रमोट कर रहे हैं, हम उनके रिक्वायरमेंट समझते हैं, तो वहाँ पे हम उनको ऐसे सोल्यूशन दे रहे हैं जो वर्केबल हों। और विंड के साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बर्फ जम जाती है, बर्फ के दौरान धूप भी नहीं रहती कई बार, उस समय विंड फिर भी काम आता है क्योंकि वहाँ पे अधिकतर पहाड़ी इलाका है, विंड अच्छी रहती है और वो रात के वक्त बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और रात के वक्त जो सोलर की कमी रहती है उसको पूरा कर देते हैं। तो हमारा अभी फोकस है बॉर्डर एरियाज में, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान, कोस्टल एरियाज में, उनमें हमारा ज़्यादा फोकस है बिकॉज वी मेक अ डिफरेंस। यस, बिकॉज देर आर सो मेनी प्लेयर्स एंड देर इज अ नीड ऑफ नॉन कन्वेंशनल देयर। ओके, ये मेरा सा मानना है। इसके अलावा सोलर और विंड के अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइक्रो ग्रिड में घुसने की, जो कि एक आइलैंड में कुछ जगह है वहाँ पे पूरा माइक्रो ग्रिड इस्टेब्लिश करके बिजली सप्लाई करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं जहाँ पे माइक्रो ग्रिड इस्टेब्लिश हो सकती है, कश्मीर के कुछ सिविल एरियाज भी है जहाँ पे हमें लगता है कि चूंकि हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग बिजली दे सकते हैं। बॉर्डर एरियाज में BSF, डिफेंस, ITBP में जो बॉर्डर फेंसिंग पे बिजली जाती थी, अभी गवर्नमेंट का मैंडेट है कि जनरेटर हटा के पूरे सोलर पे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किया जाए, वो हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा वारी जैसी कंपनी है जो US आर्मी को काफ़ी सोलर के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल पैनल है, कोलैप्सिबल सोलर है और टेंटों में सोलर लगाने वाले हैं, वो चीज़ें हम डिफेंस को सप्लाई करना चाहते हैं, जो छोटी छोटी अपनी गाड़ियों में है एनर्जी, बैटरी चार्जिंग वगैरह में उनका इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा हम लोग स्मार्ट मीटर में भी थोड़ा फोरे कर रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर में गवर्नमेंट का मैंडेट है कि सब जगह स्मार्ट मीटर लगना चाहिए, तो हमारा टाई अप है सिक्योर कंपनी के साथ, जो एक बहुत लीडिंग स्मार्ट मीटर की कंपनी है जिनका प्रोडक्ट वर्ल्ड ओवर प्रूवन है, उसको हम लगाना चाहिए। साउथ का हमने पूरा डिफेंस के लिए उनसे MOU कर लिया है। ओके, तो वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा डिफेंस के कुछ और एप्लीकेशन में, चूंकि बिकॉज ऑफ माई डिफेंस बैकग्राउंड, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिक्वायरमेंट आते हैं टेक्निकल मैन पावर के और टूल्स के और थोड़ा प्रोजेक्ट्स के, वो भी हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स आर एम इज टू रीच ए टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 50 करोड़। ओके, डिफेंस, स्मार्ट मीटर एंड सोलर विंड। ग्रेट, तो इस तरीके से देखिए, जैसे कि सोलर और अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो विंड के साथ लगा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल है और आप इसका फ़ायदा उठाकर अबेकस से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने PM सूर्यघर योजना लॉन्च किया, और देखिए इसमें क्या हुआ कि 1 महीने के अंदर ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड भी कर लिया, तो इसको लेकर क्या एक्साइटमेंट देखते हैं आप, और इसको लेके क्या लगता है कि सोलर का फ्यूचर या रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर कैसा है? आई थिंक PM साहब की जो स्कीम है ये गेम चेंजर है, जो रूफ टॉप में कोई खास प्रोग्रेस नहीं आ पा रही थी, उन्होंने वो पूरे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनका सलूशन निकाला है, और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को नोडल एजेंसी बना दिया है, इसके कारण वो जो प्रॉब्लम थे, जो परमिशन नहीं देते थे, वो सब रिजॉल्व हो गए और उनको इंसेंटिवाइज भी कर दिया है। यस, और इसमें जो सब्सिडी दे रहे हैं इतनी अच्छी दे रहे हैं कि
गिरते मॉड्यूल के दामों से ऑलमोस्ट आपको फ्री में बिजली मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी सब्सिडी से आपका कवर हो जाएगा। हार्डली 20,000 से 25,000 देने के बाद आप 3 किलोवाट का सिस्टम अपने घर में लगा सकते हैं। ग्रेट। अब ये स्कीम से क्या होगा, जो छोटे छोटे गाँव में ये स्कीम पहुँच जाएगी। अभी तक तो शहरों में थी जिनके पास पैसे ज्यादा थे, अभी गाँव का आदमी किसान भी समझदार हो गया है। और जब गांव इकट्ठे इकट्ठे पूरे सोलराइजेशन करेंगे तो कीमतें भी कम पड़ेंगी, एजेंसीज को भी फायदा होगा। बिल्कुल सर, तो इसके कारण दिस इज अ बिग गेम चेंजर, आप विश्वास नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में हमारे पास बहुत ज्यादा लोकल लोगों से प्रेशर आ रहा है कि सर हम उनके साथ मिलके गांव के गांव में बिजली लगाएं। बिल्कुल, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में कम से कम सूर्य योजना के अंदर पीएम साहब की हम इसमें अच्छा टारगेट मीट करें। ओके। इसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि चूंकि फंडिंग इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम फॉर अ ग्रोइंग कंपनी, हमारा इरादा 2026 में हम MSME एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएंगे। ओके। एंड वी विल कम अप विद अ स्मॉल इशू। ओके, ये बहुत बड़ी कदम रहेगी। और उसको लेकर क्या मतलब प्लान है वो थोड़ा? हमारा ये है कि वी हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ ऑलमोस्ट 20 करोड़ फॉर दिस ईयर। ओके, सो वी वॉन्ट टू अचीव 10 करोड़, बट नेक्स्ट ईयर वी आर planning to do at least 25 crores and we want to come out with an issue in 2026. Okay. उसमें हमारा ये इरादा है कि at least 10 करोड़ का हम issue लेके आए, क्योंकि solar पे लोगों का interest काफ़ी बढ़ रहा है और to meet their demand, meet the growth target, we need working capital support. Great. But our main focus will remain central government agencies, along the borders, residential users, industrial users. ग्रेट। तो एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ी है और लोगों ने भर भर के रजिस्ट्रेशन भी किया है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपको 10 से 11 सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से मतलब बिजनेस करें? जी, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सोलर लाइन में बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है, तो जो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, जो सिविल इंजीनियरिंग में होता है या इलेक्ट्रिकल में जो नॉर्म्स बने होते हैं उतने नहीं हैं, पर फिर भी जो इस इंडस्ट्री में घुस रहा है, आप मटेरियल में, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि नहीं तो एक दो साल में आपके सिस्टम बैठ जाएंगे, लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपका पूरा नाम खराब होगा। तो मेरा एडवाइस यही है कि पहले बात तो आप टीम सही लें, पूरे स्टडी करें, प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉलो करें, मटेरियल सही सोर्स से लें और काम सही तरीके से करें और सर्विस दें, नहीं तो लोगों का सोलर के ऊपर से भी विश्वास उठ जाएगा। हमारे पास कितने लोग आते हैं 2 साल बाद इन्वर्टर खराब हो गया, वो कंपनी गायब हो गई, वो अटेंड नहीं कर रही है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि काम सही करें और सर्विस दें, वॉल्यूम आपके बाद अपने आप बढ़ेगा, लोग आएंगे। जब आपका नाम 1-2 साल में अच्छा होगा, आप सर्विस देते हैं, आपका सिस्टम प्रॉब्लम नहीं देता है, तो काम आपके पास भाग के आएगा, यही मेरा सजेशन है। ग्रेट। तो देखिए, अशोक सर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और इतने सालों से काम कर रहे हैं, प्लस डिफेंस में ऑलरेडी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस काम के जरिए भी आप देश की सेवा ही कर रहे हैं, जिस हिसाब से बॉर्डर में आप सोलराइज कर रहे हैं, विंड टर्बाइन लगा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और दिल से सलाम है आपको। तो कैसा लगा ये इंटरेक्शन, और अशोक सर के साथ ये इंटरेक्शन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और विंड टर्बाइन से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्टली आप कंपनी का नंबर जो है स्क्रीन पे शो हो रहा है, डिटेल्स में भी है, तो वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। कैसा लगा ये पूरा इंटरेक्शन? अच्छा लगा तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।